apply on our any iron articles or buckets? Ma'am, will you show there? Means, see here, these are the fire buckets where we, oil paint is applied there. Huh? Or any iron object that we want to protect it from the corrosion where the oil paint is applied. Okay? At home also, for our fencing, to fencing wire, to color that you are using or to give the beautiful color, your beautiful appearance, you are using the oil paint. Okay? Can you tell me, once it get the more viscous, viscous bole to, jab wo gaada banta hai, jyada gaada banta hai, we can't apply it easily. When it is, it becomes more viscous, that time it is not easily applied on the surface. Abhi ye surface hai, surface pe, mujhe jo mera dry hua wo oil paint mein yahan pe apply karne ka hoga, jab wo gaada banta hai, to it cannot be easily applied on that wall. Okay, so what I have to do, I have to reduce that viscosity of oil paint. Oil paint की viscosity मुझे reduce करनी पड़ती है. Okay, so ये thinner क्या होता है? ये thinner एक substance होता है. This is a substance. Which type of substance it is? It is volatile substance. Okay, volatile means what? Which vaporizes easily. जो easily vaporize हो जाता है, so that it is going to help in the drying also. So ये volatile substance होता है. जो हम पेंट में ऐड करते हैं, when we are going to add this volatile substance, इसे पेंट में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं थिनर. ये थिन करता है पेंट को, क्या करता है, थिन करता है. थिन बोले तो पतला बनाता है, so that we can easily apply on the wall. Okay, so volatile substance उसे हम थिनर बोलने वाले हैं. ये हम किसमें ऐड करते हैं, पेंट में ऐड करते हैं. पेंट में ऐड करने के बाद ये क्या करता है, पेंट की viscosity reduce करता है. It is going to reduce the viscosity of the paint. Okay? So it is going to reduce the viscosity of paint so that we can easily apply on the wall. So today what do you have to determine? One oil paint is given to you when you are going to go. Okay? So today you have to determine the thinner content in oil paint. Okay? So kya karne wale hain isme? Is experiment mein hum 1 gram oil paint lene wale hain. Kitna oil paint lene ka hai hume? 1 ग्राम ऑयल पेंट लेने का है. उसमें ये क्या बोलते हैं, किसमें लेने वाले हैं हम, ये जो है पोर्सिलिन डिश करके होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी प्रैक्टिकल करते वक्त. ये पोर्सिलिन डिश में हमें लेने का है, कितना लेने का है, 1 ग्राम. और इसे क्या करने का है, एक हॉट इलेक्ट्रिक एयर ओवन में हमें हीट करने का है. कहाँ तक हीट करने का है, 120 डिग्री को 20 मिनट तक, या वो 2 डिग्री 20 मिनट तक, एक 120 डिग्री तक हीट करने का है. किसमें हीट करने वाले हैं, बर्नर पे रखने वाले हैं, नो, वी आर गोइंग टू हीट इट इन द इलेक्ट्रिक हॉट एयर ओवन. हॉट एयर, ओके, फॉर 20 मिनट, 20 मिनट तक हमें हीट करना है. जब 20 मिनट हो जाएंगे तब इससे हम बाहर निकालेंगे, वी हैव टू कूल इट. हमें इसे कूल करना है, किसमें कूल करने वाले हैं, यहाँ पे एक डेसिकेटर करके ग्लास वेयर होता है, अपरेटस, ग्लास का अपरेटस होता है, मैं आपको दिखाऊंगी वो भी, उसे डेसिकेटर बोलते हैं. डेसिकेटर ऐसा एक ग्लास का ऐसा एक जार होता है, उसमें क्या लिया होता है, इसमें सीए कैल्शियम क्लोराइड होता है या कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल जो होते हैं उसमें डाले होते हैं. वो क्या करता है, मॉइस्चर को गर्म होता है, गर्म रखने के बाद जो भी मॉइस्चर जमा होता है वो पूरा एब्जॉर्ब करता है. इसके लिए हम क्या लेने वाले, डेसिकेटर, उसमें कूल करने वाले हैं. और कूल करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसका वजन लेंगे, वेट लेंगे. नाउ एनीबॉडी कैन टेल मी क्या होगा ये, कि यहाँ पे वजन बढ़ेगा या घटेगा, तो यहाँ पे वजन घटेगा, मींस द वेट इज रिड्यूस, मींस दैट थिनर इज वोलेटाइल, सो इट इज इवेपोरेटेड, दैट्स व्हाई द वेट गेट द रिड्यूस, एंड दैट डिफरेंस बिटवीन दैट वेट वी आर गोइंग टू गेट द हाउ मच वेट इज लॉस्ट, कि कितना वेट लॉस हुआ है वो हम निकालने वाले हैं आज के एक्सपेरिमेंट से. ओके, सो लेट अस गो फॉर द एक्सपेरिमेंट. आज के एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेस लगने वाले हैं, बोले तो क्या ग्लासवेयर या अपरेटस क्या लगने वाले हैं, उसमें ये पहला वाला है, ये है हॉट एयर ओवन. ओके, सो यहाँ पे आप देखिए ये सब पूरा जो है स्टेनलेस स्टील से बना हुआ चैम्बर दिखाई देता है आपको, और ये अंदर का जो है ये ग्लास वूल का बना होता है, ये दिस इज ऑल ऑफ द ग्लास वूल से बना होता है. यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा ये थ्री हीट मोड स्विचिंग मोड है,
यहाँ पे मेन की लाइट ग्लो हो जाएगी, जब आप वहां का मेन स्विच ऑन कर देंगे तो यहाँ पे लाइट ग्लो हो जाएगी। उसके बाद है कंट्रोलर, कंट्रोलर इंडिकेटर भी बोलते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर है और ये टेम्परेचर सेटिंग नॉब है, दिखाई देता है टेम्परेचर सेटिंग नॉब। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी दिखाई देता होगा। यहाँ पे एक नॉब दिखाई, ये दिख मेरे जहां पे फिंगर है वहां पे एक ऐसा थोड़ा सा मार्किंग है इस जगह पे, इससे क्या ये देखा तो ये ऑफ हो जाएगा, ये लाइट यहाँ पे जो कंट्रोल की लाइट है वो डाउन हो जाएगी जब मैं सेट करूंगी। अभी मुझे कितने 120 को हिट करने का है, तो मैं टेम्परेचर सेट कर दूंगी 120 तक, नियरली 120। जब ये टेम्परेचर 120 हो जाएगा, दिस लाइट विल व्हाट टू से इट विल ऑफ इमीडिएटली, मीन्स द टेम्परेचर इज 120। ओके, सो दिस इज हॉट एयर वोहन विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर द हीटिंग पर्पज, ये हीट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो यू कैन सी द थर्मोमीटर हियर ऑल्सो, यहाँ पे आपको दिखाई देता है बीच में ये जो ग्लास का है वो थर्मोमीटर है, तो हमें टेम्परेचर वहां से पता चलता है। ये जो दूसरा रिसोर्स है ये है इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस, दिखाई देता है आपको ये, यहाँ पे अभी कुछ भी वेट नहीं रखा तो भी हमें यहाँ पे वेट दिखाई दे रहा है, तो इसे हमें यहाँ पे आपको सेटिंग के लिए कुछ बटन्स दिए हैं। इसमें का लास्ट वाला दिखाई देता है जिसपे टी लिखा है, टी बोले तो टेयर करने का है, सो वी हैव टू मेक दिस रीडिंग जीरो। अभी ये क्या हो गया, जीरो हो गया। दिस इज वेरी हाईली सेंसिटिव, मीन्स इट इज गोइंग टू इवन मैं बात कर रही हूँ तो मेरे जो वाइब्रेशंस निकलते हैं उससे भी वो डिफ्लेक्ट होता है रीडिंग। ओके, सो वी हैव टू मेक इट जीरो। एंड ये जीरो आने के बाद यहाँ पे एक सर्कल दिखाई देता है आखिरी में, आपको यहाँ पे एक सर्कल दिखाई देता है, यस ये यहाँ पे जो है ये सर्कल आएगा तो बोलने का वो स्टेबल है। देखिए अभी रीडिंग हमारी जीरो जीरो है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस है। दूसरा रिसोर्स जो लगने वाला है ये है हमारा, इसे बोलते हैं पोर्सिलिन डिश। ये जो है पोर्सिलिन मटेरियल से बनी हुई होती है, इट इज मीन्स इस पे टेम्परेचर का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, इट इज गोइंग टू बिकम द हॉट बट इट इज नॉट गोइंग टू गेट द क्रैक्ड एंड ऑल दैट। ओके, दिस इज पोर्सिलिन डिश। दिस इज द डेसिकेटर, व्हाट आई हैव सेड ड्यूरिंग द माय इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रैक्टिकल, दिस इज डेसिकेटर मेड फ्रॉम द ग्लास, ग्लास का बना हुआ होता है, जार होता है, बीच में आपको दिखाई देता है यहाँ पे ऐसे थ्री होल्स है जिसपे हमें वो पोर्सिलिन डिश रखने की है कूलिंग के लिए। इसके नीचे देखिए तो यहाँ पे पाउडर दिखाई देती है व्हाइट, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर विच इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। वो क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। हम कौन सा भी गर्म ये इसमें रख देंगे, कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं आप बर्तन बोलो या ये पोर्सिलिन डिश रख देंगे, गर्म रखेंगे और इससे हम क्या करने वाले, इसे क्लोज करने वाले, क्योंकि मॉइस्चर नहीं जमा होना चाहिए। तो जब ये हॉट है तो उसमें से जो भी वेपराइज जमा ये हो जाएंगे, मॉइस्चर जमा होगा वो सब वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे कंडेंस होंगे वो फिर से उस मटेरियल में जाके गिरेंगे। टू अवॉइड दैट वी आर यूजिंग द कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर हियर। ओके, अनदर रिसोर्स दैट वी हैव रिक्वायर्ड, दिस इज द ऑयल पेंट, यहाँ पे दिखाई देता है ये ऑयल पेंट का डिब्बा है, इसमें हमने ग्रीन पैरेट ग्रीन कलर का पेंट लिया है। तो प्रोसीजर क्या करने की है हमें, अब हमें क्या करने का है, ये पोर्सिलिन डिश है, ये पोर्सिलिन डिश का फर्स्ट हमें वेट करने का है। देखो ये एम्प्टी पोर्सिलिन डिश है, ये व्हाइट कलर की, इसे पोर्सिलिन डिश बोलने का, इसका जो वेट है हमें ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखने का है। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस पोर्सिलिन डिश ऑन द इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस, लेट द वेट गेट द स्टेबल, हमें वेट स्टेबल होने तक वेट करने का है। यहाँ पे सर्कल आना चाहिए तब वो स्टेबल हो गया, आया है सर्कल, दिखाई दे रहा है आपको, यस नाउ रिकॉर्ड योर रीडिंग, इट इज देखो मैम यहाँ पे 79 डेसिमल है, यहाँ पे 79.873। वेयर यू आर गोइंग टू राइट दिस रीडिंग, यू हैव टू राइट दिस रीडिंग इन योर मैनुअल। So weight of, you can see here, this is the weight of empty porcelain dish, symbol is W1, that is our 79.873 gram, unit is the gram. Okay,
Now we have taken the weight of empty porcelain dish. This is the weight of empty porcelain dish. Now we have to take the 1 gram of paint. हमें इस porcelain dish में क्या करने का है? 1 gram paint. Directly we can add 1 gram and we can adjust here. But it is very difficult. So we are going to make it zero. जो भी weight आया है उसे हम क्या करेंगे? Zero करेंगे और 1 gram paint लेंगे. ये weighing balance पे हमने porcelain dish 1 gram paint लेने का है. जो हमने अभी लिया है paint उसका weight है 1.026. ट्राई टू टेक इट एक्यूरेट, नहीं आया तो जो भी आया है हमें लिखने का है. सो अप्रोक्सीमेटली जो वेट ऑफ पोर्सिलिन डिश प्लस पेंट, ये नहीं लिखेंगे, हमने कितना पेंट लिखा है, वन दे दिया लिया है 1.26 ग्राम. तो हम लिखते एडी, अभी यहाँ पे लिखने का है इसका वेट और इसका वेट. सो दोनों के एडिशन करके यहाँ पे लिख देना है हमें. समझ में आ रहा है? अभी फोर्थ वन क्या है देखो, वेट ऑफ पोर्सिलिन डिश प्लस पेंट आफ्टर हीटिंग. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करने का है अभी, ये जो पोर्सिलिन डिश है जो हमने वेइंग बैलेंस पे रखी थी, इसे हम अभी हॉट एयर ओवन में हीट करने के लिए 20 मिनट्स 120 डिग्री को रखेंगे. दिस इज दी हॉट इलेक्ट्रिक एयर ओवन, इसकी लाइट अभी बंद है तो 120 प्री हीटेड है. प्री हीटेड बोले तो हमने पहले इसे हीट करके रखा है. अभी ये मैं पोर्सिलिन डिश इसमें रख रही हूँ. ये बहुत गर्म होता है, यहाँ पे साइड में कहाँ पे भी हाथ नहीं लगाने का. अभी ये 20 मिनट के लिए एट व्हाट टेम्परेचर, 120 डिग्री सेल्सियस वी आर गोइंग टू हीट इट. ओके, 20 मिनट के लिए हमें अभी वेट करने का है. हाँ, तो अभी हमारे 20 मिनट्स हो गए हैं, तो हमें इसका हीटिंग बंद करने का है. मेन स्विच बंद करने के बाद ही हम ये हॉट एयर ओवन ओपन करेंगे. ओके, ये जो है हाथ से उठाएंगे क्या हम. नाउ इट इज हॉट. So what we have to use? We have to use the pair of tongue, and this is asbestos sheet. Keep this porcelain dish on your asbestos sheet. Close this, and directly you have to keep it in a desiccator. Okay, to avoid the entry of moisture. Put this in this desiccator and allow it to cool. ये जार का ये जो ऊपर की उसकी कैप है, लीड से हमें ये बंद कर देना है. Okay. हम ओपन रखेंगे तो उसमें मॉइस्चर जाएगा. ओके, पेंट इज कूल टू रूम टेम्परेचर. ये हमारा जो पेंट है जो हमने लिया था वो रूम टेम्परेचर को पूरा कूल हुआ है, बिल्कुल ही हॉट नहीं है. ओके, नाउ वी हैव टू टेक द रीडिंग ऑफ दिस. ओके, ये मैंने बैलेंस पे रख दिया है पोर्सिलिन डिश. यस, देखिए इसका जो रीडिंग आया है 80.429. सो In observation table, you have to record your reading here under the serial number 4, weight of porcelain dish plus paint after heating, that is the 80.429. Now what you have to determine? You have to determine the loss in weight of a paint, that is the Z. So how it is determined? W2 minus W3. W2 हमारा कितना है? 80.899 and W3 means after heating, it is 80.429. So what will we get? So loss in weight, it is 0.470 gram. Remaining calculation part we will see in the practical. Thank you.